हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखे मेरे घर से हो गया आप लोग तो यार। हाँ, ये वीडियो जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा, थंबनेल में भी देख लिया होगा कि भाई ये रूम लग रहा है, ठीक है। और मैं स्पेक्टेटर पे बैठा हूँ, आई मीन स्पेक्टेट कर रहा हूँ मैं। तो ये जो रूम लगा रहा है, ये मेरा दोस्त है। ये हर सैटरडे संडे और फ्राइडे को लगाता है, रूम बनता है हमारा, कस्टम रूम्स बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर विनिंग प्राइजेस वगैरह भी होते हैं, यूसी वगैरह भी दिया जाते हैं, ठीक है। तो अगर कर रहा हूँ तो मुझे लाजमी नीचे कमेंट में बता देना, ताकि मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर तुम लोग इसके ऊपर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा देते हो तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाइव आऊँगा, और फिर हम लोग तब करवाएंगे सारा सीन। और बाकी तुम लोगों को एक और बात बताई थी कि भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अभी ये बंदे पूरे कर रहे हैं, ये हैं वो, बेसिकली ये है, ये है वो भाई। कुत्ते बड़े सोने अच्छे बहुत है, दिल बता दे और देखो ना देखो। ये भाई है, बिलाल नाम है इसका। तो ये ऑर्गेनाइज कराता सब कुछ, अभी बस शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, तो पूरी यहाँ पे मैच स्टार्ट भी हो गया, स्टार्ट हो गया मैच, अब मजा आएगा। ओके बुई, तो मैच हो गया हमारा स्टार्ट। ओके, तो घंटी बज चुकी है, अब हमारा मैच हो गया स्टार्ट, लेट्स गो। तो देखते हैं कौन कहाँ पे उतर रहा है। आई थिंक सो इस रूम में सबसे ज्यादा खेती इसी की ही है। कोई यहाँ पे मैच हो गया हमारा, इनका स्टार्ट, और लोग सारे उतर चुके हैं। और यहाँ पे आई थिंक से दो स्क्वाड्स उतरे हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ओके, तो भाई बाबा ओपी और किंग ड्रैगोस काम कर रहे हैं, अपना लूटिंग वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे ये चल रहा है नॉट योर पापा भाई, पापा जी और मिस्टर जोकर, वो यहीं पे आमने सामने वाली बिल्डिंग्स में हैं। अब इन दोनों को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो। और बाकी हम देखते हैं कहाँ पे और फाइटिंग हो सकती है। यहाँ पे फाइटिंग हो सकती है, तो स्पेक्टेट करके चेक करते हैं। यहाँ पे आई थिंक सो फाइटिंग हो भी रही है, क्योंकि यहाँ पे दो बंदे इधर नीचे हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है। इनको घेर लिया गया है, वैम्पायर, आईजी वैम्पायर को घेर लिया गया है। और कॉल मी साइबर उनके ऊपर रश करते हुए, और दे कॉल मी साइबर शहीद होते हुए, दे कॉल मी साइबर शहीद हो गए, और दे कॉल मी जानू जो हैं वो अभी अलाइव हैं, तो वो उनको रिकॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आई थिंक से फाइट होने लगी अच्छी खासी, और यस यहाँ पे फाइट हो भी रही है। ओके, तो रेड टीम जो है वो यहाँ पे है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और जो पर्पल टीम सी है वो, यानी पिंक टीम जो है वो हमारी राइट साइड पे है, मिस्टर जोकर की टीम। और यहाँ पे किंग ड्रैगोस और बाबा ओपी लूट कर रहे हैं अच्छी खासी, और ये किंग ड्रैगोस आए हैं, और देखो देखो क्या होता है भाई, देखते हैं। ओके, वो कवर में गए, बाबा ओपी को कवर दिए रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर जोकर एक घर में है, नोचे पापा एक साइड पे हैं, और ये मेन बिल्डिंग में आते हुए मेडिसिन की, यहाँ पे फाइट हो सकती है। हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पे हो गई है जी, एक बंदा रिकॉल हो गया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ऐसी बात है यार, यहाँ पे फाइट होनी चाहिए, यहाँ पे फाइट बनती है, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे, ये बस लूट किए जा रहे। ओके, इसको नजर आ गया, नजर आ गया कि उन्होंने फायर दिया, फायर करते हुए मिस्टर जोकर ने फायर दिया, उनको नजर आ गए। और अब ये किंग ड्रैगोस और बाबा ओपी एक साइड पे हैं, मिस्टर जोकर एक साइड पे हैं, और नोटर पापा एक साइड पे। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, आगे देखो सही होगा कि ये। तुम लोग इन्हें लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई साहब। और ये आ गई है फाइट स्टार्ट होने लगी है, क्योंकि यहाँ पे नोट योर पापा एक साइड पे बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, यहाँ पे दोनों ऊपर फिर रहे हैं, बाबा ओपी और किंग ड्रैगोस, रेड टीम फिर रही है। और ये नीचे आ गए हैं मिस्टर जोकर, नोट योर पापा बैठे हुए हैं, बाबा ओपी बैठे हुए हैं साइड पे। बाबा ओपी किधर गया भाई, नाइस, बहुत ही उम्दा टेक्निक यूज़ करते हुए दोनों। अब वो नीचे फ्लोर पे गए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वो सामने वेट कर रहे हैं। और ये अभी नेड हुआ आई थिंक सो, यहाँ पे फाइट बहुत प्यारी हो सकती है, 7 टीम्स अलाइव हैं। मिस्टर जोकर नीचे वाले फ्लोर पे हैं, और ये
टॉप पे बैठे हुए दोनों, और वहाँ से टीम 5B रश रश नहीं या फिर या तो मूव करते हुए या तो आ रहे हैं इधर। और ये मिस यू वाइटी साहब बहुत सेफ खेलते हुए, टीम ड्रैगन्स वगैरह कुछ नहीं कर सकते अभी तक, कुछ भी नहीं कर पा रहे। टीम 2 कुछ भी नहीं कर पा रही और ना ही टीम 10 कर पा रही है, क्योंकि ये दोनों ही अभी सेफ खेल रहे हैं। और ये फाइट हुई स्टार्ट, और ये जोकर साहब ने बाबा ओपी को दिया एसिस्ट, और बाबा ओपी नॉक होते हुए अब ये दोनों रश कर सकते हैं। बाबा ओपी डेड, किंग ड्रैगन्स बचे हैं आखिरी, और ये ऊपर से रश हो रहा है इनके ऊपर। तो जोकर ने रश किया और बाबा ओपी दी एंड, दो बंदे इसी के साथ टीम 5 जो टीम 2 जो है वो जाती हुई अपने लॉबी में। तो इतना अब यहाँ पे कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास टीम 5 है, टीम 5 के पास ड्रॉप हुआ है, आई डोंट नो कि वो लेंगे ड्रॉप के नहीं लेते। मिस्टर जोकर ने उसको नॉटचे पांडा को नॉटचे पापा को रिवाइव दे दिया, और यहाँ पे मिस यू एम टी भी आ गए हैं और चौधरी भी आ गए। तो यहाँ पे हम अब फाइट होने लगे नोटिया पापा की चौधरी की, चौधरी है हाँ चौधरी, ठीक है। हम चलते हैं आपको ऊपर लेकर, ये होने क्या लगा है अब दिखाते हैं आपको। एक ही घर में दोनों दोनों सेफ खेलते हुए, ओ माय गॉड, और ये नॉक, चौधरी साहब नॉक हो गए हैं, नोटिया पांडा ने नॉक कर दिया है। अब सारी गेम बची है टीम 4 की मिस यू एमटी के ऊपर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और साथ ही बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रिकॉल कर दिया अपने टीममेट को, और उनका टीममेट अभी यहीं से नीचे टपकता होगा। वो आ रहा, वो देख रहे हो, वो आ रहे हैं हमारे टीम के बंदे, आई मीन उसके टीम 4 के बंदे। और फिर वही करते हुए वो फिर गए हैं उस वहाँ पे, अब वहाँ पे फाइट लेंगे उससे, पता नहीं क्या बनेगा इनका। लेकिन बेचारे के ऊपर दोनों साइडों से रश हो सकता है, क्योंकि एक साइड पे लेफ्ट साइड पे मिस्टर जोकर हैं, नीचे नॉट योर पापा हैं। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है बहुत नाजुक सूरत हाल है ये। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कैंप करते हुए, और उनको शायद पता चल गया कि वो किधर है, और यहाँ पे मौली करते हुए ये, और किसी ने फायर दिया, मिस यू एम्प्टी ने आई थिंक सो फायर दिया है अच्छे पापा को। अब आगे देखना यह है कि क्या होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से कैंपिंग करते हुए भाईजान, नीडिंग हो रही है कि शायद मिल जाए, लेकिन नहीं, उनको पता ही नहीं पता चला है। और ये फिर से चौधरी साहब नॉक होते हुए, मिस्टर जोकर ने बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज़ की कि उस वाले घर में जाके क्यों ना मारा जाए इनको। अब चौधरी साहब मिस्यू एम टी के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मिस्यू एम टी जो है वहाँ से वो आ रहे, ये देख सकते हो जैसे मेरा एरो दिखा रहा है, ये फिर रहे हैं बेचारे। और मिस्टर जोकर उनके ऊपर रश करते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है चौधरी साहब नॉक पड़े, अपना किल तो कंफर्म करेंगे, किल कंफर्म करने के लिए जा रहे हैं चौधरी साहब। लेकिन वो बैठे हैं कवर में कि कोई पता नहीं है कि उनका टीममेट आ जाए कि ना आए। और मिस्टर जोकर ने चौधरी साहब को देख लिया, और चौधरी साहब आई थिंक सो डेड होते हुए, यस दे आर डेड, चौधरी साहब डेड हो गए हैं कम्प्लीटली। अब जो हमारे साथ रह गए हैं मिस यू एम टी, इनका देखना है कि क्या करते हैं। बाकी टीम अब यहाँ पे टीम 10 और टीम 4 जो है, टीम 4 का एक बंदा रहता है, टीम 10 के दो बंदे रहते हैं, टीम 5 के भी दो बंदे रहते हैं। टीम 4 और टीम 10 आमने सामने, टीम 4 के मिस यू एम टी बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, ये इज्जत वाला मसला तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। और ये आई मौली, और ये इनका आई थिंक सो गेम खत्म होता हुआ। यस मिस यू वाइट एम टी भी नहीं रहे, और अब यहाँ पे रह गई हैं सबसे ऊपर जो टीम है हमारे पास वो टीम 10 है। तो हम रैंकिंग चेक कर लेते हैं, रैंकिंग क्या है। रैंकिंग हमारे पास यही है क्योंकि नॉट योर पापा ने 3 किल कर लिए और मिस्टर जोकर ने 2 किल किए, नाइस वन। तो अभी कुछ देख लिया, मैच ठंडे मूड में चला गया क्योंकि अब कोई किल नहीं करेगा, बहुत दूर हैं सारे।
कौन कौन मर गया? वो मानी साहब पहले मर गए यार, वैम्पायर वाले वैम्पायर और मानी पहले मर गए। नाइस वन। अब नूब किंग वाइटी जो है वो बैठे हुए हैं जीरो किल के साथ। चलो जाते हुए टीम 10 के बंदे जाते हुए पूरे मैप पर टोरा लगा रहे हैं, और टीएस अबीर जो है वो एक साइड पे हैं, और रोमा रोमाइल जो भी है, ये जो भी है रोमल जो भी, वो एक साइड पे कर रही हैं। ओके तो जोन बन चुका है, सेफ जोन में जाएंगे और यहाँ पे फाइट होती हुई बहुत प्यारी वाली। दो बंदे नॉक हैं, हर टीम का एक बंदा नॉक है, और ये इसी के साथ टीम फाइव ने डेड कर दिया है बेचारों को, मार दिया है टीम फाइव ने, मार दिया है यहाँ पे टीम टेन को मार दिया है। अब यहाँ पे उसको रिवाइव कर रहे हैं अपने टीम फाइव के बंदे, आरएक्स आदिल को, आरएक्स एट आदिल को रिवाइव करते हुए। बहुत ही उम्दा फाइट थी। अब यहाँ पे फाइट हो सकती है हमारे पास। सामने से टीम वन आती हुई टीम ट्वेल्व के पास, टीम ट्वेल्व बहुत ही उम्दा तरीके से कैंपिंग करते हुए। टीम वन का एक बंदा जोन में पागल हो रहा है, टीम वन का बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यार कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते। इट्स अबीर भी, टीएस अबीर भी आते हुए आगे। आई थिंक सो टीएस अबीर और टीम फाइव की, यानी टीम थ्री और टीम फाइव की जंग हो सकती है आपस में। खैर टीम फाइव के दो बंदे फिर रहे हैं, टोरा मार रहे हैं पूरे मैप में, और यहाँ पे लड़ाई होती हो सकती है। और यस हो भी चुकी है, एक बंदा नॉक हो गया। टीएस अभी ने पूरी टीम ले लिया भाई, टीएस अभी पूरी टीम ले गए। नाइस वन, हो गए हैं जी नॉक। आई एम नूब किंग वाईटी ने नॉक कर दिया है। और ये स्मोक होता हुआ कि वो बच जाए, वो बच नहीं सकते, और दोनों ही तश्वीशनाक हालत में। दे कॉल मी साइबर ने हील किया फौरन और फायर दिया, और नहीं बच पाई टीम वन। टीम वन दी एंड हो गई है। अब रहते हैं सिर्फ टीएस अबीर और टीम ट्वेल्व के बंदे। टीएस अबीर जो है वो बहुत ही उम्दा तरीके से कैंपिंग कर रहे हैं कि बस बच जाएं किसी तरह। टीएस अबीर साहब इधर बैठे हुए, खड़े हुए बल्कि, एक पत्थर का सहारा लिया हुआ है उन्होंने, और उनके पास नेड आता है। नहीं वो स्मोक कर रहे हैं, अब वो मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने बंदे हैं। और बहुत ही उम्दा टेक्निक ईएस गी बॉय पीछे से जाते हुए कि मैं उनको मारूंगा टीएस अबीर को। अब देखना यह है कि क्या होता है। टीएस अबीर ने बहुत ही लेवल तरीके से अपने आप को उसमें रखा, और ये उनके पर फायरिंग होती हुई। भाई साहब बेचारे के साथ बर्गर वाला सीन होने वाला, बर्गर बन जाएंगे शायद ये बंदे आते हुए। और ये भाई साहब मैच एंड हो गया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा ईएस टीम हो, टीम जीत चुकी है टीम वन। इसी के साथ ये मैच होता है हमारा एंड। अगर तुम लोगों को मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो और ये रूम अच्छा लगा और तुम लोगों ने रूम खेलना हो तो पहले लाजमी खेलना है, नीचे कमेंट कर देना, नीचे कमेंट कर देना, लाजमी आ जाना। मिलते तुम लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा लाइक सब्सक्राइब इनके, टेक केयर, खुदा हाफिज़, टाटा बॉयज़।